देश की राजधानी दिल्ली की जानी मानी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जहां दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के नाम से फर्जी कॉल कर नौकरी की सिफारिश की गई। बता दें कि फर्जी कॉल कर नौकरी की सिफारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसने खुद को दिल्ली का उपराज्यपाल बताते हुए अपनी बहन को अपने ही विश्वविद्यालय में टीचर की जॉब दिलाने की सिफारिश कर दी। प्रोफेसर की इस फर्जी कॉल का मामला जब सामने आया तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। तो क्या है ये पूरा मामला, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश शर्मा के पास 30 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को दिल्ली का उपराज्यपाल वी के सक्सेना बताया और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टीचर की नौकरी की सिफारिश कर दी। इसके बाद वीसी ने इस कॉल के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के सचिवालय को कॉल किया। फिर पता चला कि एलजी की तरफ से ऐसी कोई भी कॉल नहीं की गई। एलजी सचिवालय की तरफ से वीसी को ये निर्देश दिए गए कि इस मामले को लेकर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसके बाद 2 अक्टूबर को द्वारका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 419 के तहत मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस इस कॉल के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तुरंत कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि पुलिस जांच के दौरान पुलिस को वीसी के लैंडलाइन नंबर के सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि कॉल यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के नंबर से की गई थी। जांच में ये भी सामने आया कि यूके का ये नंबर मानवी सिंह और उसके पिता राजपाल सिंह के मोबाइल नंबरों के साथ इंटरकनेक्शन में भी था। इसके बाद मानवी और राजपाल सिंह से पूछताछ की गई, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि यूके नंबर से उपराज्यपाल बनकर वीसी को कॉल उनके भाई रोहित सिंह ने की थी, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। कॉल करने वाले यूनिवर्सिटी के ही असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जब रोहित के खिलाफ और जाँच की तो ये भी पता लगा कि रोहित सिंह ने बिना अनुमति के ब्रिटेन की यात्रा की है। इसके बाद पुलिस ने रोहित सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब ये कि वीसी को उपराज्यपाल बनकर फर्जी कॉल करने वाला रोहित बिना इजाज़त के देश के बाहर नहीं जा सकेगा। तो वहीं रोहित पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।